पप्पी जान, आपसे बड़ी क्या कर रही है? क्या देख रही हो? वसीम 4 साल का था और तुम 2 साल के, और नगमा सिर्फ 2 महीने की। जब सूफिया भाभी तुम तीनों को मेरी गोद में डाल के इस दुनिया को छोड़ गई, मैं यही सोचती थी कि मेरी 3 बेटियां और 2 बेटे। इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आपने हमें कभी भी मां की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन मैं गलत थी, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम और वसीम सिर्फ मेरे दामाद हो, बेटे नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं फूफी जान, लेकिन यह भी तो हकीकत है कि हमारी इज्जत, हमारी पहचान सिर्फ हमारे शजर नसब की वजह से ही है, और अगर उसका ही कोई नाम लेने वाला नहीं रहा तो फिर हम में और आम लोगों में क्या फर्क रहेगा? तो यही तो मैं कह रही कि अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी और वसीम की है ना, ना कि तुम्हारी बीवियों की। देखिए फूफी जान, हमारे बाद हमारी औलाद नहीं तो ये जिम्मेदारी संभालनी है ना। बस आप दुआ करें कि अल्लाह इस बार मुझे बेटा दे दे। हाँ, इंशाल्लाह बेटा होगा, अल्लाह करे ऐसे। लेकिन आपने मुनीरा भाभी के टाइम पे भी यही बात कही थी। अरे वो तो डॉक्टर ने धोखा दे दिया, लेकिन तुम देखना इस दफा मानूर को बेटा ही होगा। अल्लाह करे ऐसे ही हो। ओ फूफी जान, मंजूर और खालदा आज नजर नहीं आ रही, कहाँ गायब है? भूख लगी है। मैं लगवाती हूँ खाना। थैंक यू।